एंडिंग हो गई है मेरे साथ और मुरारी लाल मीणा जो पायलट के साथ थे। सर क्या कहना है मुरारी जी, जो 32 दिन से चला, जो आप लड़ाई लेकर चले थे? देखो जिस तरह से कुछ ऐसे मुद्दे थे जिनको लेकर के हम करीब 9 वर्ष ऊपर हो गया और सब लोग दिल्ली जाकर गए हुए थे और हमारी कल परसों में यहाँ पर हाईकमान से मुलाकात हो गई थी। जो भी दिल्ली से थे पायलट साहब के नेतृत्व में हम 19-20 एमएलए थे कांग्रेस के, हमने सारी बात रखी और करीब करीब उन्होंने बातों पर सहमति दर्ज कराई। हमें पूरी उम्मीद है कि अच्छे रिजल्ट से निकलेंगे, कांग्रेस मजबूत होगी। आपको क्या लगता है आलाकमान स्तर पर कमेटी इंसाफ करेगी जो आपकी डिमांड थी? नहीं, आलाकमान ने दोनों तरफ पक्ष सुन करके कौन सही है कौन गलत है, मैं समझता हूँ कि अच्छे फैसले आएंगे और उसका कांग्रेस को फायदा होगा। लेकिन जो लड़ाई लेके गए थे, क्योंकि आपके भी वो बयान आए थे कि हम लीडरशिप में बदलाव करना क्या गुनाह है ये मान, देखो हमारा मेन मुद्दा था कि लीडरशिप में जो जो ग्रीवेंसेस थी वो सारी बात मान ली जाएंगी, तो लीडरशिप का ये था कि जो चुनाव में जो मुद्दे थे हमारे क्षेत्र के मुद्दे थे उन मुद्दों पर जो यहाँ का नेतृत्व था उसने ध्यान कम दिया था, तो ये सारी बातों को बताया गया है, देखो क्या रिजल्ट आता है। सियासी रिश्तों में बर्फ जरूर पिघल गई, लेकिन जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हुआ वो रिश्ते खटास कैसे मिटेगी, गांठ कैसे टूटे? देखो ये पार्ट बड़ा परिवार है और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से कोई ऐसी भाषा का प्रयोग किया नहीं गया था, जितने हमारे विधायक थे सबने बैलेंस भाषा का प्रयोग किया गया था और हमने सबने महीने भर तक बड़ा पेशेंस रखा था, क्योंकि हम पार्टी के एक सिपाही थे, हमारे दिल में पार्टी के लिए दर्द था और उसका अच्छा परिणाम सबके सामने आया और आने वाले टाइम में आएगा। क्या फार्मूले से संतुष्ट हो आप, कुछ बताना चाहेंगे ये हमारी डिमांड थी? देखो अभी जो बात मैं उनके बारे में नहीं जानना चाहूंगा, जो बात थी हाईकमान को बता दी, धीरे धीरे सबके सामने आ जाएंगे। कमेटी की कोई समय सीमा होगी 1-2-3 महीने? ये जरूर हमने बोला है, कमेटी कई बार बनती है कागजों में दब जाती है, तो कमेटी अति शीघ्र अपना फैसला करे, कमेटी कोई समय सीमा नहीं, अति शीघ्र फैसला आएगा उसका। तो बिल्कुल ये थे मुरारी मीणा, उनका कहना है कि हमें जरूर आलाकमान स्तर पर इंसाफ मिलेगा और कमेटी बहुत जल्द उनकी मांगे पूरी कर देगी।